हेलो गाइस, आई होप सो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए, आप लोगों को ऐसे जगह लेके आया हूँ, झारखंड के एक ऐसे इलाका है, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पे बहुत टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुदरती पानी निकलता है पहाड़ के बीचों बीच। ये जो हम आए हुए हैं, ये आम का बागवान है, तो ये हमारे मालिक है, यहाँ पे मिल गए। तो चलो, हम सच वीडियो एक बार यहाँ पे भी दिखा दें दर्शकों को, तो आप लोग देख सकते हैं आम पूरा लगा हुआ, पूरे फील्ड में लगा हुआ, और साइड साइड में देख पा रहे होंगे पहाड़ ही पहाड़ है, पूरे पहाड़ है, बीचों बीच रास्ता गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसी में आम के बीचों बीच सरसों भी लगाया हुआ है, आम है, पिछले साल लगा हुआ है ये, तो इस साल तो फलने का टाइम शायद नहीं फल पाएगा, पिछले साल अगले साल से तो फरेगा ही फरेगा पूरा। तो देख सकते हैं आप, चलिए आप लोग देख सकते हैं पूरे 4-5 एकड़ में लगा हुआ आम ही आम है, और पूरे सरसों भी लगा हुआ है इसी में। तो आप लोगों को लेके चलेंगे, ये झारखंड का और झारखंड में बोकारो ज़िला के लास्ट छोर है, पश्चिम बंगाल इसका सटा हुआ है, तो इसी से 3 किलोमीटर दूरी में ही पश्चिम बंगाल मिल जाता है। तो आप लोगों को लेके चलते हैं, और वहाँ पे आप लोगों को पानी भी दिखा देंगे, कैसे पानी निकल रहा है पहाड़ के बीचों बीच से, पत्थर के बीचों बीच से, तो वहाँ पे भी आप लोगों को लेकर चलेंगे। तो एक बार कैमरा पूरे दिखा दो, देख सकते हैं इस चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पूरे झारखंड का लास्ट छोर है ये, देख सकते हैं। ये हमारे मालिक यहाँ का जो आम का देख रेख करते हैं यहाँ पे, इन्हीं के हैं सारे, इन्होंने ही लगवाए हुए हैं। तो इसी तरह चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोगों को भी, और दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये पहाड़ के बीचों बीच से पानी निकलता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ये पहाड़ के पत्थरों के कहाँ से कुदरती पानी निकलता है, अभी तक हम लोग सोर्स लगा नहीं पाए, यहाँ के जानदा भी लगा नहीं पाया। बच्चे देख रहे हैं वहाँ पे, चले गए वहाँ पे, देख सकते हैं वहाँ पे हाई कर रहे हैं, कितना मस्त, कितना, देख सकते हैं। लास्ट हम लोग इसी रास्ते से आए, कितना डाउन है, कितना ख़तरनाक है। तो चलिए चलते हैं ऊपर तक, जाते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर तक जाने का, जहाँ तक जा पा रहे हैं, क्योंकि उतना दूर तक तो चढ़ नहीं पाएंगे, रास्ता है नहीं, और इधर हाथी का भी आगमन हो जाता है कभी कभी, तो बहुत ही सोच समझ के ये यहाँ पे पूजा भी करते हैं। ये सेवांती, इस जगह का नाम है सेवांती घाटी, आप लोग भी कभी आ सकते हैं। ये गणेश परशुराम जी हैं, कौन, क्या कहते हैं इनको, बजरंग बली जी, सॉरी बजरंग बली, फाइनली ऊपर चढ़ चुके हैं। वाह, बच्चे सब हाई कर रहे हैं, देख सकते हैं ये सब चट्टान है, पहाड़ के अंदर से कहाँ से आता है कुदरती पानी, भगवान जाने, और भगवान का कुदरती देन है ये, आराम से गिरना जाना, हम तो जाएंगे भी नहीं, हम तो जाएंगे भी नहीं, कहाँ से ऊपर चढ़ेगा बाबू, रास्ता है उधर, बाप रे बाप। यहाँ पे 12 महीने पानी निकलता, 12 महीने, फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर तक, और इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, ये बच्चे सभी हम लोग दिखाते हैं कि इधर से रास्ता है, इधर से तो यहाँ तक पहुंचे। देखिए पहाड़ के बीचों बीच से, पत्थर के बीचों बीच से पानी कैसे निकल रहा है, ये कुदरत का देन है, ऊपर वाला का देन है, कहीं भी पानी निकल सकता है, और कहीं कहीं तो ज़मीन, समतल ज़मीन पे खोदने के बावजूद भी 100, 200, 300, 500, 1000 कोड़ने के बावजूद भी पानी नहीं निकलता, देखिए पहाड़ के बीचों बीच पानी निकलता, तो इसका भगवान का देन है ये। और ये कौन सा ये फ्रूट है बाबू, पता है कुछ, ये कौन सा फ्रूट है,
गिरना मत, देख सकते हैं। हम अभी यहाँ पे खड़ा, और चढ़ गए यहाँ तक, इस ऊपर ऊपर तो जा नहीं सकते, जा भी सकते हैं लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद जा पाएंगे, और डर भी लगता है कि कुछ सांप या जानवर या किसी चीज़ कुछ ना निकल जाए, उसी वजह से डर के मारे भी नहीं जा रहे हैं उधर। तो चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं नीचे की तरफ। ये झारखंड के बोकारो ज़िले के लास्ट छोर है, ये लास्ट छोर इसका कहते हैं सेवांती घाटी। सेवांती घाटी ये पश्चिम बंगाल का सटा हुआ है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब नीचे, और पानी कहाँ कहाँ से निकल रहा देख सकते हैं आप लोग, तो मोबाइल पानी पे ना गिर जाए। अब नीचे उतर रहे हैं, देख सकते हैं। ये देख रहे हैं पत्थरी पत्थर चट्टान, वो मेरा बाइक वहाँ पे रखा हुआ है, और ये पहाड़ी पहाड़ है। तो वहाँ पे रास्ता है, आप लोग मेरे से बने रहिए, इसी तरह आप लोगों का अलग ही कुछ वीडियो दिखाएंगे, और सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों को, और मेरा हौसला अफजाई करते रहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कुछ और कुछ दृश्य दिखा सकें आप लोगों को, ठीक है। और देख सकते हैं फाइनली, तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, आप देख सक रहे हैं, देख पा रहे होंगे कहाँ ऊपर था, तो बिल्कुल ऊपर, जहाँ तक जा पाया वहाँ तक तो गया, लास्ट उधर तो जाने का हिम्मत नहीं हुआ कि जा पाए, क्योंकि हिम्मत जुटा ही नहीं पाए। तो बच्चे लोग तो चला गया ऊपर तक, हम जा नहीं पाए, मुझे डर लग रहा था, और फाइनली हम नीचे उतर चुके हैं, देख सकते हैं नीचे पानी यहाँ पे, और चले नीचे की ओर। और इसी तरह आप लोगों को इसी तरह वीडियो दिखाते रहेंगे, व्यूज़ दिखाते रहेंगे, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए, दुआ चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोगों को इसी तरह से अच्छे अच्छे से एक्टिव वीडियो दिखाते रहेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।